कोलंबो से हम जुड़ना चाहते हैं अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल भाई से, क्योंकि कपिल भाई भी थोड़ा सा इस बारे में आपसे भी बात करूंगा कि टीम इंडिया ने बहुत सारे खिलाड़ियों को आज मौके दिए, उसमें से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आगे था, दोनों ही इंप्रेस नहीं कर पाए कपिल भाई? देखिए विराट ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये कह रहे होंगे कि एक दिन हम रहेंगे एब्सेंट तो दोगे ऐसा डेंट, ये नहीं चलेगा। तो बड़ी हैरानी है मेरे को, क्योंकि अगर हमारा टॉप ऑर्डर अगर एक बार फ्लॉप हो जाएगा, एक रोहित शर्मा अगर नहीं चलेंगे और एक बढ़िया पूरी टीम आपके पास है और बांग्लादेश का अटैक सामने है, तो 265 आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आकाश की बात ठीक है, जो 4-5 दिन पहले आकाश कह रहे थे कि बड़ा नामुराद गेम है, ये सही है, एक ग्रेट लेवलर है, आपको एक दिन अर्श पे एक दिन फर्श पे पहुंचा देता है, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से चेज करना चाहिए। अभी गिल्दा मामला जब तक है, जब तक चल रहा है, उसके बाद क्या होगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा हैरान किया है जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे थे, वो स्पिनर के खिलाफ उस तरह से फ्री फ्लोइंग दिखाई नहीं देते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर वो स्कोर कार्ड प्रेशर हो जाता है, डॉट बॉल का प्रेशर बन जाता है। सूर्य के बारे में आकाश ने बता ही दिया, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते हैं, सब कुछ को अगर आप शाकिब को सोचोगे हर बॉल को स्वीप ही अगर कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जडेजा में मुझे बहुत हैरानी हो रही है, 78 बॉल में 96 रन चाहिए, आप धोनी के साथ इतना क्रिकेट खेले हो, वो एक ही बात बोलते हैं डीप लेके जाओ डीप लेके जाओ, अभी इस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। तो बहुत निराश करने वाला क्रिकेट खेला है। चलो डेब्यू मैच था तिलक वर्मा का तो थोड़े बटरफ्लाइज होंगे, हालांकि वो भी खराब शॉट पर आउट हुए, लेकिन निराश करने वाला क्रिकेट भारतीय टीम ने खेला है और बहुत बढ़िया कर रहा है बांग्लादेश। और जो लेफ्ट आर्म स्पिन है, चाहे शाकिब हो, चाहे तासुन हो, चाहे विराट कोहली, 2022 के बाद से 8 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो ये लेफ्ट आर्म स्पिन हमारी टीम की चिंता बढ़ा रही है। Zini.